और अब अगली बड़ी खबर सोनीपत से है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बारडोली ने बयान दिया है। सोनीपत की जनता का समर्थन मिल रहा है। मोहनलाल बारडोली ने इस बात को कहा, बीजेपी तीसरी बार भी सत्ता पर काबिज होगी। मोहनलाल बारडोली ने यह बात भी कही और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोहनलाल बारडोली की ओर से यह बयान भी दिया गया। बीजेपी प्रत्याशी है मोहनलाल बारडोली, जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बारडोली ने यह बयान दिया। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार कई हलके में हुआ है। बरोदा हलके आज पहुंचे थे, जहां पर एक के बाद एक जनसभाएं उन्होंने की हैं। मोहनलाल बारडोली ने यह कहा कि उनको लगातार सोनीपत लोकसभा की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार की नीतियों को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कार्य और विदेशों में भी देश का डंका बज रहा है। बीजेपी ने जो नारा दिया है, अब की बात 400 पार, देश की जनता बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में काबिज करने जा रही है और मोदी ही प्रधानमंत्री बने। बड़ौदा विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाऊंगा और शहरों के प्रत्येक वार्ड में जाऊंगा और इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं पहला प्रत्याशी होऊंगा जो प्रत्येक गांव में जाके वोट की अपील भी करूंगा, सबसे मिलने का काम भी करूंगा, प्रत्येक वार्ड में भी जाने का काम करूंगा। ये मेरा संकल्प है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और बहुत भारी उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का है। उसी विश्वास में, उसी प्रधानमंत्री जी के कामों के आधार पर हम ये लोकसभा का चुनाव बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रहे हैं। मोदी जी की राम राम ही जनता चाहती है और उस मोदी जी की राम राम की जो ताकत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, उस राम राम के माध्यम से ये हमें संदेश मिला, वो हम सबको दे रहे हैं। बड़ा प्यार, बहुत भारी उत्साह, बहुत गर्मजोशी के साथ सोनीपत लोकसभा के वोटरों ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दिया है और बहुत भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की।